हमारी कार जो है वो सपोजिटली सिल्वर कलर की है, पर ये हो गई है ब्राउन। पूरा इसका जो नक्शा है वो बदल गया है, कीचड़ से भर गई है। बट आप व्यू देखो, चारों तरफ बर्फ और बर्फ के बीच में कटा हुआ ये रास्ता, कीचड़ से भरा हुआ है। गाड़ी जो है वो सब तरफ से डिस्को करती हुई जा रही है एकदम नागिन की तरह। बट इट इज टू मच फन। वेलकम टू स्पीति वैली। गुड वेरी मॉर्निंग, हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू द एडवेंचर्स। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो अभी है हम लोग काजा में, द हब ऑफ स्पीति वैली। और ये देखो, ये है हमारा व्यू। हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे फुलजंग होमस्टे एंड गेस्ट हाउस, और आज का दिन हम लोग जा रहे हैं लोसर। लोसर का रास्ता जस्ट अभी कल खुला है, हम नॉट श्योर अभी क्या सीन होगा। कल हम लोग जैसे हिक्किम गए थे, कॉमिक गए थे, तो वहाँ तो अच्छी खासी बर्फ़ हमें मिली थी। आई एम होपिंग कि लोसर में भी मिल जाए, थोड़ा मज़ा आ जाए। तो चलो, गाड़ी जस्ट मैंने अभी स्टार्ट की है। आज इतना ज़्यादा कोल्ड स्टार्ट नहीं हुआ इसका, क्योंकि अभी बज रहे हैं करीब करीब 11, और अभी तक अच्छी खासी धूप निकल आई है। कल सुबह हम लोग काजा से निकलेंगे जल्दी, समवेयर अराउंड 7, तो उस टाइम पे होगी अच्छी खासी ठंड। नेगेटिव में जाती है टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड -10। तो कल सुबह इसका असली टेस्ट होगा कि ये स्टार्ट हो जाए सुबह सुबह। इधर ये जो है सारी बर्फ़ जमी हुई है, इसके नीचे जो पिघल के गिरी है अभी, लेकिन जो ये है आपका मडगार्ड वाला एरिया सेंटर वाला, इट इज स्टिल फ्रोजन, ये अभी तक जमा पड़ा है। ये कैसे खुलेगा पता नहीं। पीछे की तरफ आइसिकल्स, इधर भी बर्फ़ जमी हुई है। हाँ, कार इज टोटली फ्रोजन। एंड दिस इज मिस्टर आदि भाटिया, से हाय। हाय वंशिका, हेलो। तो चलो अब हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं लोसर। आज हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली के एक छोटे लेकिन बहुत फेमस गांव लोसर। ये जगह काजा से करीब 60 किलोमीटर दूर है और विंटर में जनरली इसका रास्ता बंद रहता है। लकीली स्नोफॉल में 6-7 दिन का ब्रेक आ गया, जिसकी वजह से हमें ये रास्ता खुला मिल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं, आज हमारा day 3 है काजा में, और फिर हमने अपने होम स्टे में पूछा कि लोसर का रास्ता खुल गया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद खुल गया है, आप पता कर सकते हो। तो हम फिर पता करने के लिए आ गए कि खुला है कि नहीं, और अभी हम जा रहे हैं लोसर की तरफ। ये बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कोई टूरिस्ट हमें आता जाता दिखाई नहीं दिया है, एक दो लोकल कार्स हमें दिखाई दी थी जाते हुए। और देखिए आप, और दोनों तरफ आइस है और बीच में स्लैश और स्नो दोनों है। थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता भी है, एक दो जगह 4x4 एंगेज करके ही कार निकल पाई है। देखिए बीच में आइस, ब्लैक आइस बनी हुई है रास्ते के। अच्छा वो अच्छा, मत कोई कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लगेगा? बस अभी आधा घंटा, कोई नहीं। सामने अगर आप देखोगे उधर, तो वहाँ पे एक एवलांच आ गया है। ऊपर से जो बर्फ़ है ये नीचे बह के आ गई है, और उसकी वजह से जो है रास्ता हो गया है बंद। वहाँ पे वो डिगर लगा हुआ है रास्ता खोलने में। आप देख सकते हो कि कैसे पहाड़ से बर्फ़ सड़क के नीचे आई हुई है, और इस एवलांच की वजह से रास्ता बंद हो गया था। बट BRO वॉज वर्किंग हार्ड ऑन इट टू क्लियर द रोड्स।
जब इतनी ज़्यादा स्नो गिरी हो तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। थैंक यू बॉस। तो ये था सामने का स्ट्रेच जहाँ सारा एवलांच आया हुआ था, ऊपर से बर्फ़ गिरी हुई है और ये जेसीबी जो है अभी अभी बस इसी को साफ करके गया है। तो हम लोग पहुंच गए लोसर, ये रहा लोसर गांव पीछे, और बस यहीं तक सड़क थी, इसके आगे जो है बंद पड़ा हुआ है। ये था हमारा लास्ट पॉइंट जहां तक हमें आना था। अब इसके बाद वी आर गोइंग बैक। यहां पे खाने को कुछ है नहीं अवेलेबल, तो हम अपना खुद ही कुछ बनाएंगे अभी रास्ते में, देखते हैं। अभी इस टाइम पे सब कुछ बंद पड़ा है, सारे कैफेज होमस्टे सब बंद है। अब यहाँ लोसर में हम पहुँच तो गए हैं, बट यहाँ पे सब कुछ बंद है। हमने सोचा था कि अगर कोई रेस्टोरेंट या होमस्टे खुला होगा तो हम यहाँ पे लंच कर लेंगे, बट यहाँ पे सब कुछ बंद है। कुछ कोई भी शॉप वगैरह या होमस्टे खुला हुआ नहीं लग रहा है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे लोसर में तो इस जगह रुके थे, नोमैड्स कॉटेज। और अभी देखो कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पूरी बर्फ है, रास्ता ही नहीं है, ये बंद पड़ा अभी। कार को यहाँ सुनसान जगह में खड़ा करके आशीष क्या कर रहा है? अरे यार खाने दो ना चैन से। तुम उधर देखो बर्फ एकदम अनटच। एंड बाई इवनिंग वी वर बैक इन काजा, और ये हमारा स्पीति वैली के अंदर लास्ट डे था। कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।